हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम मर्देका कप खेलने जा रही है मलेशिया, और पहला मैच है मलेशिया के खिलाफ। तो दोस्तों, इस मैच को आप लाइव कहाँ देख सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ होगा इस मैच का, सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के संपर्क में। तो आप सभी को पता ही है कि आईएसएल सीजन 10 का पहला इंटरनेशनल ब्रेक लग चुका है एफएसडीएल और एएफएफ के द्वारा, और हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम मर्देका कप खेलने वाली है मलेशिया में, और पहला मैच है मलेशिया के खिलाफ 13 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और जैसा कि खबर है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये मैच को दिखाया जाएगा लाइव, और लाइव स्ट्रीमिंग होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कोई भी अच्छे सोर्सेस से, लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी फिलहाल की खबर है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मर्देका कप 2023 को आप लाइव देख सकते हो, यानी कि इंडिया वर्सेस मलेशिया का मैच आप देख सकते हो। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के वंडर स्टार पार्थिव गोगोई के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि लास्ट सीजन डेब्यू किया था पार्थिव गोगोई ने, और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था डेब्यू सीजन में ही, और ये सीजन भी लगातार 3 मैचेस में वर्ल्ड क्लास गोल कर चुके हैं पार्थिव गोगोई। और जैसे कि सारे ही एक्सपर्ट्स और आईएसएल कमेंटेटर लगातार ये बातें कर रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट सीजन में पार्थिव गोगोई बड़े आईएसएल क्लब्स के नज़र में ज़रूर रहने वाले हैं, जैसे कि मुंबई सिटी एफसी, मोहन बगान सुपर जॉइंट्स, केरला ब्लास्टर्स एफसी, एफसी गोवा जैसे टीम हैं जो पार्थिव गोगोई को अपने टीम में साइन करने की कोशिश कर सकते हैं। और हमने पहले भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले इंडियन खिलाड़ी हो या फिर फॉरेनर खिलाड़ी, नेक्स्ट सीजन कोई दूसरे क्लब में साइन कर देते हैं। तो पार्थिव गोगोई के साथ क्या ऐसा ही होने वाला है, चांस तो काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी को ये बात मानना ही पड़ेगा कि पार्थिव गोगोई ने जिस प्रकार से ये सीज़न शुरुआत किया है, और अगर और अच्छे करते हैं तो नेक्स्ट सीज़न ये दूसरे किसी क्लब में साइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट का ये इतिहास रहा है कि कोई भी अच्छे खिलाड़ी को ये अपने टीम में रिटेन करके नहीं रख सकते। तो अब देखना यह है कि पार्थिव गोगोई को लेकर आने वाले सीजन में क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट पार्थिव गोगोई को अपनी टीम में रिटेन कर सकती है या फिर नहीं, आप अपना राय जरूर कॉमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।